एक गणेश जी महाराज थे, चुप्पी में चावल चम्मच में दूध लेके पूरे नगर में घूम रहे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, सब उसके हंसी उड़ा रहे। कौन खीर बनाएगा, चम्मच में दूध चुप्पी में चावल ले, कैसे खीर बनेगी। सबसे पूछ पूछ के आ गए गणेश जी नगर के बाहर आए थे। बुढ़िया बैठी कहला बेटा मैं तेरी खीर बना दूंगी, क्या चम्मच ले कि बड़ा सो भगोना बगड़े सी परात ले आओ। के बेटा ये तो मेरे गिलास में कटोरी में ही आ जाएंगे ना, कि अम्मा मांग लाओ कि बेटा मेरे गरीब नी के खासे आए। कहते अच्छा पड़ोसी से मांग के लाऊ, पड़ोसी से मांग के लाई। बड़ी परात, बड़ा भगोना, परात में चावल डाले, परात भर गई, भगोने में दूध डाला, भगोना भर गया। क्या बेटा अब क्या करूँ, तेरी खीर बन जाए तो, कि अम्मा खीर बन जाए तो घंटी लेके आवाज लगा दियो, गणेश जी महाराज भोग लगा जाओ, गणेश जी महाराज भोग लगा जाओ। अच्छा कैसे करूँगी, नहाई धोई लीपा पोता खूब, उसने खीर बनाई। जब खीर बन गई, घंटी लेके घूमती फिरे, गणेश जी महाराज भोग लगा जाओ, गणेश जी महाराज भोग लगा जाओ। गणेश जी महाराज ने घंटी के बाद सुनी आए, भोग लगाया कि अब क्या करूँ जाए इस खीर का, कि सारा नगर जिमा दे और बच्चे तो चारों को ने पाँचों देली गाड़ दी। अच्छा गणेश जी महाराज की बात सुन के बुढ़िया ने सारे पूरा नगर जिमा दिया, भगवाना भरा घबरा खीर का। तो जैसे गणेश जी महाराज ने कि चारों को ने पाँचों देली गाड़ दी, अपनी कुटिया में उसने चारों को ने पाँचों देली खीर गाड़ दी और सो गई गुड़िया। सुबेरे गणेश जी महाराज ने लात मारी, झोपड़ी उड़ गई, महल बन गया। गुड़िया सो के उठी तो खूब जगमग हो रही, वो तो महल में आ गई, अरे मैं तो कहाँ गई, मैं कौन उठा लाया। फिर गणेश जी महाराज की आकाशवाणी हुई कि सब गणेश जी महाराज ने दिया है, खूब नहाओ धो, जैसे गणेश जी महाराज उससे आए वैसे सबको आए। बोल गणेश जी महाराज की जय। आज नहीं आ रही आंटी, अब तो हम लोग को गई तो बोले मैं तो फिर कर जाऊंगी, कोई फिर ना करेगा, कोई कहाँ से लाएगा। तो बोले बांस का डंडा, बांस का गोली, चावल के अच्छा भाई बहन के कपड़ा पाई बेटा, जिसकी जो सामर्थ्य हो दर्शन करे कोई दान करे। अब बोले अच्छा मैं घड़ी को जाऊंगी, वो आई है घड़ी को, तो बच्चा बोले दादी आई, तो बोले घूमने आ गए, बोले सब घूमने आई, जब दादी आई मैं तो घड़ी को आई डंडा तो दान को चलने आई। बाँध अच्छा बाँध डंडला तो सब दान को गया, बाबा बोला डंडलों को गए और आई है सबको आए। भगवान ने मुझे दो जैसे करने, मेरे घर को रखवाना है तो काफी हाथ में छोड़ी कर दी, छोड़ी में से लड़का है। अब वो है नहीं मेरे घर को रोज काटी नहीं जाती, मैं घर पानी कहता। एक दिन रात राजा का शहर पर था राजकुमारी का, तो सब वहाँ पे गए, सब गए तो लड़का भी गए, तो मैं भैया ने मना करी तो बच जाए, वो चल जाए तो कहीं भी भीड़ भाड़ बोलना मैं तो जाऊँगा। अब वो चला गया, अब रस्ते में कहीं वहाँ पर पहुँचा, वहाँ राजकुमारी ने कहा था तीन बार माला डाली, तीनों बार मेरे लड़का के कहीं पर डाली। अब तो अगले बोला भैया ठीक है, फिर शीर्ष में शादी करनी पड़ेगी। अब आगे आगे मेयर था, पीछे पीछे राजकुमारी आए, सब अड़ोसी पड़ोसी कह रहे देखते हैं मेयर का आ गया, वो घबरा रहे देख कुछ हो गया, वो मर गए होगा। बोले ना कुछ हो गया, देख आगे आगे मेयर का पीछे देख बहू आ रही है। तो बोले काय को मजाक कर रहे हो, काय को हंसी ठट्टो कर रहे हो ना। अब जैसी बाहर आई पाखन जी, बाकी आखन की जोत आ गई, मैंने देखा कि बेटा है कहीं बहू आके आ रहे हैं, मुझे खुशी लगाई। अब वो कहा करती कहीं देख मतलब वो कहती बहू से कि तेरी भाग में काल को है, जब आगे ना आई ना घूमना ना सुना कछु तो करना है, मतलब कैसे रहेगी। बोले ना सासू जी तुम्हारे ये बेटा है, मेरे लिए तो राजकुमार है। बोले मैं कैसे विश्वास मानू। बोले देख लो विश्वास मान लो, तुम रात में चुपचाप देख रही हो। अब वह कहीं रात में चुपचाप कोने में खड़ी हो गई, पाने अपना चोला उतारा, भगवान राजकुमार वो अच्छे सुंदर अच्छे बढ़िया है।
अब आ रहा है दो दिन हाथ पकड़ लिए वादा इतना बेटा मेरे से क्या छिपा करा बोले तेरे दोस्त के कारण मैंने छिपा करा तेरा रकम रखवाला हूँ मैं तेरा बेटा हूँ सबका अब तो सारे ने हल्ला मचा दिया कि मेरा सबसे बेटा हूँ अब तो बड़े खुशी हुई ऐसे कार्तिक माँ को जैसे सबको आए कार्तिक भगवान ये लोग तो पतवारी हो जाएगी सर बहू है तो अभी वो बहू ही कबार है कभी वो ड्रामा जमाती वो नियंत्रण एक ड्रामा वो जमाती अब अगर सोचा बोला जो तुम्हें सब धन दौलत सब खत्म कर जाएगी अच्छे बिना छोड़े तो अगर वो अगर ये अब चलो कहीं चलो तो बहू ने सोची आप तो चले गए अगर अब मैं इकट्ठे ब्राह्मण महीना के जमा दूँ सोचा तो चले वहाँ इकट्ठे ब्राह्मण लेकर के और पूरे महीना के जमा दिए अब तो ससुर आया और जूत दौड़ा पत्थर भार पड़ी दे दी अब तो वो घबरा गया आप तो मेरी सोच रहे सारा धन दौलत खत्म कर दी धन दौलत खत्म कर दी अब आप ही बोल रहे नहीं बोले बहु सत्य कमाल कर दिया क्या मेरी साथ का धन लाया खत्म कर दी बोले ना समझ दी अब ससुर जी बीमार पड़ गए खाद में लग गए अब प्राण घटघटी में आए वो ससुर जी से बोली तुम कछू तो ले जाओ बोले वो ना चल रहा बहू बोले एक सुई ले जाओ सुई भी ना चल रही ससुर जी बोले हम क्या नहीं कहते कछू दान पुण्य कर लो बोले हाँ बहू वो गलती है गई आज एक ब्राह्मण मेरे नाम को एक ब्राह्मण अपने नाम को बोल जमे हो जैसे बापो पुण्य वाले अपने ब्राह्मण का पुण्य बापो दियो बाका ढोल में उनका हमको वैसे ही सब कहा जाए बोल नित्यनेम भगवान की जय है एक एक सास बहू है तो अगर वो बहू चोट नहीं आई बाहर रातों को मर जो जमाने थे हाँ बहू से बोली कंबल दे दे कि तू अभी कंबल धोला और जब तक सफ़ेद ना हो जब तक मत तो सासू से बोली तुम अकेली काम करोगी कछु तो कर जाओ बोले कछु मत करे बोले आटा ही भूल जाओ बाहर आटो से बोला आटो जमाना आटो भूलने लग गई अब बाहर एक बड़ा सा लोहा है तो कहता कि कंबल में हो चली गई अब गई धोते धोते बाद भूख लगी तो अगर वो चल रही बाबा लोग बना के सेक करके पथवारी के मंदिर में घुस गई बाकी नाक पर फटक करके और कार्तिक वाले के दीवार के बीच पर खा ले पथवारी ने अगर नाक पर हाथ रख लिया सारे शहर में हल्ला गया पथवारी ने नाक पर हाथ रख लिया सब छुड़ाया बच्चू अब वो गई गई बोली मुझे ये बता मेरा सास को तो अगर यहाँ पे लिया और कार्तिक वाले ने दी दीदी और कह रहे हैं मोटा भी यहाँ पे से तेरे में नाक पर पटक ली जैसी मैया पथवारी मैया सबको आए सबको आए और पथवारी मैया राम राम जी सब है।